वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेम स्पेस के बारे में कि नेम स्पेस आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। जैसे मान के चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो नेम स्पेस बनाने में को तो एक एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर आपको सारे नेम स्पेस बना के रखने हैं। जैसे मैंने बना लिया क्लासेस नाम का, इसके अंदर मैं एक नेम स्पेस बनाने जा रहा हूँ। आपको अपनी क्लास का नेम वही रखना है, फाइल का नेम जो आपको नेम स्पेस का रखना है। तो मैं बना रहा हूँ यूजर लिस्ट, ये बना दी। उसके बाद ये आते हैं नेम स्पेस। अगर आपने एक फोल्डर बनाया उस फोल्डर का नेम, अभी दूसरा फोल्डर बनाया तो उसका नेम, तो ऐसे करके अभी मैंने क्लासेस ही बनाया है, क्लासेस। और उसके बाद क्लास, क्लास जो आपकी फाइल का नेम है यूजर लिस्ट। इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, फंक्शन का नाम गेट लिस्ट, जो रिटर्न करेगा मुझे दिस इज लिस्ट, ऐसी कुछ भी। अब मैं आता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं उसे इंक्लूड करा लेता हूँ। क्लासेस ये फाइल इंक्लूड होगी, यूज क्लासेस यूजर लिस्ट। इसके अंदर जो फंक्शन बनाया है गेट लिस्ट, अब चेक करते हैं। अच्छा ऐसे रहेगा, तो ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं नेम स्पेस। आप नेम स्पेस बना के रख लो, उसके बाद आपने जो भी अगर किसी फोल्डर के अंदर बना रखा है उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। अब अपनी क्लास जो आपकी फाइल का नेम होगा वही आपकी क्लास का नेम होगा, उसके अंदर कितने भी आप फंक्शन बना सकते हो आप। उसको कॉल कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यूज़ आपके फोल्डर का नाम स्लैश, बैकवर्ड स्लैश होता है, उसके बाद आपके नेम स्पेस का नेम, फिर नेम स्पेस मैंने स्टैटिक लिया है इसलिए ये कॉलन कॉलन लेना पड़ा है। स्कोप रिजोल्यूशन, अगर मैं इसको नॉर्मल लेता तो मेरे को इसका क्लास क्लास को ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है, ऐसे करके। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सर, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे इंक्लूड, ये इंक्लूड, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जितने भी नेम स्पेस बनाओगे, जैसे आप यहाँ पे यूज़ करते जाओगे 1 2 3 ऐसे आप जितने भी बना लोगे तो सारे आपके क्या कहते हैं इंक्लूड होते जाएंगे। लेकिन नेम स्पेस का मतलब इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोड हमारा लाइट हो जाए, कि जब हम उस फंक्शन को कॉल कराएं तभी हमारा वो नेम स्पेस कॉल हो। तो उस केस में क्या करेंगे हम, क्योंकि अभी क्या हो रहा है हमने इंक्लूड कर दिया, तो कोड देख रहे हो यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंक्लूड। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो मेरी वो फाइल तो इंक्लूड ही है, देखो केवल वो लाइन नहीं आई है, ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ, बाकी तो वो इंक्लूड है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी फाइल इंक्लूड भी जब ही हो, जब मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, उस केस में क्या करेंगे हम। PHP का एक फंक्शन होता है SPL ऑटो लोड रजिस्टर, ये मैं बताता हूँ क्या काम करता है। इस इंक्लूड को हटा देता हूँ अभी के लिए। अब जैसे ही 1 मिनट, आप जैसे ही यूज़ करोगे जिस भी क्लास को सबसे पहले वो इंक्लूड हो जाएगी यूज़ लिखते ही। ये देखो ये हो गया, अगर मैं इसको हटा देता हूँ
तो कुछ भी नहीं होगा इंक्लूड। या मैंने जैसे ये यूज कीवर्ड यूज करा है जिस भी नेम स्पेस को यूज करने के लिए, एक दो तीन तो यहाँ आते जाएंगे अपने आप। अभी मैंने एक करा है तो ये आ गया, तो अब मेरे को केवल यही वाली फाइल इंक्लूड करनी है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, ये मैंने सही कर लिए स्लैश को ऐसे कर लिए ताकि मैं इंक्लूड कराना चाहता हूँ। अब मैं लिखता हूँ इंक्लूड स्लैश डॉट, ये मेरी क्लास का नेम, और इसमें पीएचपी नहीं है डॉट, क्योंकि मेरी फाइल जो है ये तो मेरा अभी नेम आ गया है यूजर लिस्ट। अब मेरे को चाहिए डॉट पीएचपी, ये फाइल मेरी इंक्लूड हो जाए। ये दोस्तों हो गया इंक्लूड। यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ, इंक्लूड हो गया। अब इस केस में क्या होगा, मान लो अगर मैं इसको यूज ही नहीं करता, मतलब यूज कर लिया मैंने लेकिन फंक्शन को कॉल ही नहीं कराया कहीं पे भी, तो वो फाइल इंक्लूड ही नहीं हुई। ये देख रहे हो पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में ये हो रहा था कि एक सेकेंड क्लासेस यूजर लिस्ट, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करता हूँ, ये देखो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ या नहीं कराता तो भी मेरे क्या कहते हैं कोड इंक्लूड हो रहा है, ये देख रहे हो। तो इससे अगर आप अपने पेज में दो तीन चार पाँच दस जितने भी नेम स्पेस यूज़ करोगे सारे आपके इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे पेज आपका हैवी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन जो एग्जीक्यूशन होती है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये वहाँ पर जाएगा लाइन को एग्जीक्यूट तो करेगा ही करेगा। अब इस केस में क्या होगा कि आपका कोड जब ही इंक्लूड होगा, जब आप ये यूज कीवर्ड तो लिख दिया है, जब उस फंक्शन को यूज़ करोगे आप इस वाले नेम स्पेस के किसी फंक्शन को यूज़ करोगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखो यूज़ किया तो इंक्लूड हो गया, यूज़ नहीं किया तो इंक्लूड नहीं हुआ। तो सिंपल सा कोड है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक क्लासेस के बीच मतलब क्लासेस या नेम स्पेस या कुछ भी आप अपने उसका नाम रख लो, फोल्डर का नाम, उसके अंदर आप बनाते जाओ एक दो तीन चार जितने ही बनाने हैं। अब उसके बाद जो आपने फोल्डर का नेम रखा है उसका नेम आ जाएगा, नेम स्पेस उस फोल्डर का नेम, फिर अपनी क्लास वगैरह बना दो आप। इसको हटा देता हूँ, मैंने ये बता ही दिया मैंने। अब अपनी क्लास बना दो, स्टैटिक रखना है आपको, सिंपल रखना है, जैसा भी फंक्शन रखना आप रख सकते हो। उसके बाद अपने यूज, उसके बाद क्लास क्लासेस और अपने नेम स्पेस का नेम, फिर ऐसे करके कॉल करा लो। उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, SPL underscore autoload underscore register, उसके अंदर आपको क्लास का नेम मिल जाएगा। सबसे पहले आप कौन सी लोड करना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक लोड कर लेता है। ये मैंने यहाँ स्ट्रिंग रिप्लेस करा क्योंकि मेरा जो आ रहा था क्लास का नेम ऐसा आ रहा था पहले। ये तो इसको इस टाइप से चेंज करा है, इसको ऐसे चेंज कर दिया बस, इसलिए ये यूज करा है मैंने, ये देख सकते हो, ये देखो। उसके बाद क्या करा है मैंने, ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद यहाँ पे पीएचपी का नेम है नहीं तो इसलिए डॉट पीएचपी लिख दी, ये हो गया। इस तरह से हम नेम स्पेस हमारा काम कर रहा है, सिंपल है, ट्राई करना दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू दोस्तों।